और इसलिए खास हो जाता है कि दलगत राजनीति से परे होकर एक धरती के लाल को पहली बार कोई प्रधानमंत्री, भारत के इस पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके पैतृक आवास तक आज पहली बार यात्रा करने पहुंचे हैं। साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि छतों पर जनता जनार्दन है, भीड़ है यहाँ पर। कितना जनता जनार्दन इस समय उत्साहित और रोमांचित है अपने बीच में जननायक को पाके। जनता बेहद ऊर्जस्वित है, जनता बेहद आह्लादित है। जनता के लिए अविस्मरणीय क्षण है और इस नगरी के लिए भी यह ऐतिहासिक क्षण है, रामनगर के लिए भी यह ऐतिहासिक क्षण है। जिस तरीके से कोलाहल है, जिस तरीके की ऊर्जा है, जिस तरीके की यहाँ पे तपिश है, जिस तरीके की पूर्वांचल की स्थिति है, उसमें प्रधानमंत्री का आना यहाँ पर सरगर्मी ही नहीं बढ़ाता है, यहाँ का तापमान भी बढ़ा देता है। निखिल, साफ तौर से देख सकते हैं प्रधानमंत्री चौक पर पहुंच चुके हैं, जो शास्त्री चौक है। शास्त्री चौक पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, चारों तरफ से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर हर मोदी का नारा लग रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चौक पर उतर चुके हैं और एक एक व्यक्ति का, छतों पर स्थित व्यक्तियों का, छज्जों पर स्थित व्यक्तियों का, एक एक युवाओं का, सब महिलाओं का, बुजुर्गों का, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री की अपनी जुदा स्टाइल है, ये प्रधानमंत्री का अलहदा व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री का अपना अलग अंदाज है, अनौपचारिक अंदाज है। औपचारिकताओं से परे प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हैं, संवाद कायम करते हैं। भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के चुनिंदा लोग यहाँ पर हैं जो कि प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, पार्टीजनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनसे पुष्पगुच्छ लेते हुए धीरे धीरे उस प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस प्रतिमा की अनदेखी कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने की। धरती के उस लाल की तरफ बढ़ रहे हैं जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ पर आज वो दलगत राजनीति से ऊपर होकर धरती के इस लाल को पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए ये खास है, और खास है ये रामनगर के लिए, यहाँ की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना भी। तालियों की गड़गड़ाहट है, शंखद ध्वनि है, नगाड़ों की आवाज़ है, कोलाहल है, और इस कोलाहल में प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण किया है इस धरती के लाल का। श्रद्धावनत है, विनीत है, सरल है उस विराट व्यक्तित्व के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि धरती के जननायक थे, भारत के जननायक थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका माल्यार्पण करने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अपार जनसमूह है, चारों तरफ लोग खचाखच यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोग इस क्षणों को अपनी तस्वीरों में कैद कर लेना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है ऐतिहासिक भी हैं। ऐतिहासिक इसलिए भी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धरती के लाल लाल बहादुर शास्त्री की धरती पर खुद आए हैं, और आज उनके पैतृक आवास पर जाएंगे। प्रतिमा के सामने श्रद्धावनत विनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विराट व्यक्तित्व के सामने। निखिल, धीरे धीरे प्रधानमंत्री सीढ़ियों से चलते हुए जनता का अभिवादन, कोलाहल आप सुन सकते हैं, गर्मजोशी का एहसास आप कर सकते हैं, तापमान आप पूर्वांचल का देख सकते हैं, अनौपचारिक अंदाज आप प्रधानमंत्री का देख सकते हैं। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, शंखनाद हो रहा है, कोलाहल हो रहा है। निखिल, आप स्थितियां ही यहाँ की बयां कर सकती हैं, दृश्य यहाँ के बयां कर सकते हैं कि कितना यहाँ के लोग गदगद हैं, लोगों के लिए कितना अविस्मरणीय है, लोगों के लिए कितना आनंद का पल है, लोगों के कितने उल्लास का पल है, लोगों के लिए कितने हर्ष का विषय है जब वो अपने बीच में जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाते हैं। ये वही गली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गली की तरफ बढ़े हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके घर की तरफ लेके जाएगी। प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, दोनों तरफ से प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है।
नानक नन्हे भए रहा जैसे रंग तू, नानक नन्हे भए रहा जैसे रंग तू, और रूप सुख जाएंगे खूब खूब की खूब। ऐसे हमारे शास्त्री जी थे। लगवाकार संतोष और धीरज तुम्हें बनाते हैं, आकार संतोष और धीरज तुम्हें बनाते हैं, भारत के एक वीर प्रतीक गाथा गाते हैं। बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर नहीं, बोलो लाल बहादुर शास्त्री अमर नहीं।
में आज जबकि धनबल और बाहुबल की बहुलता है, ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व वर्तमान पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल है। और साफ तौर से आप देख सकते हैं कि उसी अक्षुण्य योगदान को देखते हुए, उस अतुलनीय प्रतिमा को देखते हुए, उस विराट व्यक्तित्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना श्रद्धा सुमन यहाँ देने आए और यहाँ पर लोगों के बीच में वो हैं। देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनता इस समय उत्साहित है, जनता इस समय जिस तरीके से इंतज़ार कर रही है, जिस तरीके से सिक्योरिटी के लोग अब धीरे धीरे यहां पर आ रहे हैं, लोग पोजीशन ढो रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जनता से अभिवादन कर रहे हैं। लोग फिर एक बार उत्साहित हैं, रोमांचित हैं, लोग आह्लादित हैं, लोग बेहद ही खुश हैं। प्रधानमंत्री अलहदा अंदाज में अपना हाथ हिलाकर छज्जों छज्जों पर, इमारतों पर और एक एक जगहों पर रहने वाले माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय अपने अपने गाड़ी में बैठ रहे हैं और देख रहे हैं कि उनका काफिला अब